जालौन में शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, आग से कई घंटों तक बिजली सप्लाई बाधित हुई। दमकल विभाग की सूचना के बावजूद नहीं पहुंचे दमकल कर्मी। लखनऊ में बाइक बोर्ड घोटाले में एसटीएफ और यूपी पुलिस की बड़ी छापेमारी। एक मकान और ब्रह्मदासपुर गांव में बाइक बोर्ड घोटाले से जुड़ी लगभग 200 बाइक्स बरामद की गई। कानपुर से फरार हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह और नारायण भदौरिया समेत चार लोग दिल्ली से गिरफ्तार। 2 जून को नौबस्ता इलाके में अपराधी को भगाने में भाजपा नेता समेत कई लोगों ने की थी मदद। साथी कैदी की मौत से जौनपुर की जिला जेल में भड़के कैदी। भिड़ंत में एक पुलिसकर्मी और कैदी घायल हुआ। हालात का जायजा लेने जौनपुर पहुंचे वाराणसी कमिश्नर और आईजी रेंज। अलीगढ़ में नहीं थम रहा जहरीली शराब का कहर। फेंकी गई जहरीली शराब पीने से 9 मजदूरों की मौत, 12 से ज्यादा लोगों का चल रहा इलाज। थाना जवां में अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। भगौड़े आईपीएस मणिलाल पाटीदार पर बढ़ाया गया इनाम। एडीजी प्रयागराज जोन ने की 1 लाख के इनाम की घोषणा। आत्महत्या के मामले में उकसाने का आरोप। दिल्ली में आज भाजपा की अहम बैठक। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मीटिंग। यूपी और उत्तराखंड के नेता भी होंगे शामिल। 2022 के चुनाव पर मंथन होगा। हरिद्वार और रुद्रपुर के दौरे पर रहे सीएम तीरथ सिंह रावत। कोविड अस्पताल में लिया व्यवस्थाओं का जायजा। मरीजों से बातचीत कर जाना हालचाल। देहरादून में राज्यपाल से मिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। राष्ट्रपति के नाम सौंपा राज्यपाल को ज्ञापन। सभी लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराने की मांग। उत्तराखंड में फिर से सड़क पर उतरे व्यापारी। बाजार को खोलने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। सरकार को दिया आर्थिक तंगी का हवाला। We'll be right back.